हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वो है आईडी को टॉप अप करने से रिलेटेड। तो हम अपने आईडी का इंस्टॉलमेंट पैकेज देने के लिए हमें अपने आईडी को बार बार टॉप अप करना पड़ता है, या अगर हमने कोई पैकेज लिया है तो उसे बाय करने के लिए भी हमें अपने आईडी को टॉप अप करना पड़ता है। तो सभी इसमें अपने आईडी को कार्ड से टॉप अप करते हैं, तो कोई डॉलर से टॉप अप करते हैं जिनको इसके बारे में पता है। तो कई बार होता है कि जिनके पास कार्ड नहीं हो पाता उन्हें परचेज़ करने में या टॉप अप करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, और उन्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है कि सर हमें डॉलर दे दो या ये हमें अपनी आईडी टॉप अप करनी है, और इससे उन्हें बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो जिनके पास ग्लोबल कार्ड होता है वो तो बहुत ही आसानी से टॉप अप कर लेते हैं, और जिनके पास ग्लोबल कार्ड नहीं होता है उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम होती है अपनी आईडी को टॉप अप करने में। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिनके पास कोई सुविधा नहीं हो पाती वो अपने आईडी को टॉप अप करने के लिए अपने डाउनलाइन या अपने अपलाइन से रिक्वेस्ट करते हैं डॉलर के लिए, और इसके बदले में उसके अपलाइन या डाउनलाइन वाले या जिनसे वो डॉलर लेते हैं वो बहुत ही हाई डिमांड करते हैं डॉलर को उन्हें देने के लिए। तो इसमें भी काफ़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपकी आईडी में टॉप अप करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन ये आते हैं, जैसे वीज़ा कार्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, डैश कॉइन हो गया, जेट कैश हो गया, लाइट कॉइन हो गया, डॉगी कॉइन हो गया, पेयर हो गया, परफेक्ट मनी, फास्ट पे। और इसमें अगर आप $10 से ऊपर का पेमेंट करते हैं तो पेपल भी इसमें ऐड हो चुका है। तो मैं यहाँ पर आपको कम अमाउंट $2 अमाउंट का डाल के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कम डॉलर डालने पे टॉप अप करने पे बस कुछ ही पेमेंट सेक्शन है जो उपलब्ध हो पाते हैं हम सभी को। बाकी अगर आप और ऊपर जाते हो, जैसे कि आप अगर $10 करते हो तो देखना यहाँ पर ऑप्शन ये बहुत कुछ आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ $10 किया तो आप देख सकते हो पहले यहाँ पर पेपल का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अभी देखिए पेपल का ऑप्शन आ चुका, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे आप देख सकते हैं यू आर शिफ्ट, इसका भी ऑप्शन नहीं आ रहा था ये भी आ गया, इंडेक्स मनी का भी ऑप्शन नहीं आ रहा था ये भी आ गया। तो आप देख सकते हो, तो आपका अगर कार्ड काम नहीं कर रहा है तो आप पेपल से भी बहुत आसानी से आप इसमें टॉप अप कर सकते हो। इसमें आपको 4% यहाँ आपको दिख रहा है कि 4% आपको कमीशन फ़ी लगेगा, बाकी सबकी कमीशन फ़ी आपके सबके सामने लिखे हुए हैं देख सकते हो। UR में आपका बिल्कुल भी कमीशन फ़ी नहीं है, इंडेक्स मनी में आपका 3.95%। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका कार्ड काम नहीं करता या जिन्हें टॉप अप करने में डॉलर लेने में बहुत ही मुश्किल होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक यहाँ लाइट कॉइन या बिटकॉइन से कैसे आप टॉपअप कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको आज बताऊँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ लाइट कॉइन का बिल्कुल भी 0% ये कमीशन फ़ी है, बिटकॉइन का भी आप 0% का कमीशन फ़ी है। तो आप ये कर सकते हो कि आप अगर किसी भी क्रिप्टो करेंसी से आप अपने आईडी को टॉप अप कर सकते हो, और क्रिप्टो करेंसी से आपको अगर आईडी टॉप अप करनी है तो उसके लिए आपको एक क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज पे आपको लॉगिन होना होगा, और उस पर लॉगिन होकर या फिर इस पर कर सकते हो। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी यूज़ करना चाहते हो, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अगर आप अपने अकाउंट को टॉप अप करना चाहते हो तो आप वजीरेक्स इंडिया में एक एक्सचेंजर है वजीरेक्स, आप उसको डाउनलोड करके आप आराम से टॉप अप कर सकते हो अपनी आईडी को। तो मैं आपको आज बिल्कुल उसी के बारे में बताऊंगा कि आप अपनी आईडी को लाइट कॉइन से कैसे टॉप अप कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि लाइट कॉइन से आप अपने आईडी को कैसे टॉप अप कर सकते हो। लाइट कॉइन या बिटकॉइन आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो वजीरेक्स से। बिटकॉइन में थोड़ा फ्लक्चुएशन ज़्यादा है क्योंकि उसके जो प्राइस हैं वो बहुत जल्दी अप और डाउन होते हैं, और लाइटकॉइन का थोड़ा धीरे होता है। तो आप लाइटकॉइन से करो तो बेटर है, क्योंकि बिटकॉइन में कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जो अमाउंट डालकर आप टॉप अप करते हो वो तुरंत ही चेंज हो जाता है, तो उससे ये कभी कभार पेमेंट फंसने का भी डर रहता है, और लाइटकॉइन में ऐसा नहीं है। लाइटकॉइन का पेमेंट आपका ईजिली हो जाता है क्योंकि उसका जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है वो बहुत धीरे होता है, तो पेमेंट उसमें फंसने का या ब्लॉक होने का कोई ब्लॉक मतलब दिक्कत नहीं रहता। तो मैं आपको चलिए एक लाइव डेमो दिखा देता हूँ कि
आप लाइटकॉइन से बजीरेक्स एक्सचेंज से कैसे आप अपने आईडी को टॉपअप कर सकते हो। तो मैं बस सिर्फ आपको जस्ट दिखाने के लिए सिर्फ $1 से अपने आप या अपने अकाउंट को टॉपअप करूँगा। ये बस जस्ट आपको दिखाने के लिए डेमो, बस आपको सिखाने के लिए कि अगर आप बजीरेक्स पे लॉगिन करके अगर आप लाइटकॉइन से अपने आईडी को टॉपअप करते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। जस्ट बिल्कुल आप ये देखते जाओ और आप करते जाना। अगर आप बजीरेक्स में लॉगिन ये करना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर लिंक पे क्लिक करके आप बजीरेक्स में अपना अकाउंट बना सकते हो बहुत ही ईजिली तरीके से, और क्रिप्टोकरेंसी पे ट्रेडिंग भी कर सकते हो वहाँ पर, और अच्छा खासा पैसा अर्न भी कर सकते हो, और किसी भी आईडी पे आप अपने आईडी को टॉपअप कर सकते हो बिना किसी से डॉलर के लिए झिकझिक किए हुए, बिना किसी को डॉलर का एक्स्ट्रा पे दिए हुए। क्योंकि बहुत बार ऐसा ही होता है जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर आप किसी से डॉलर मांगते हो तो आपसे बहुत हाई डिमांड करते हैं डॉलर का, 80 रुपीज़, 85 रुपीज़, यानी अगर आप $100 $200 करते हो तो 8,500-9,000 तक भी वो डिमांड कर देते हैं। तो आप यहाँ से अपना खुद से आप अपना आईडी को टॉपअप कर सकते हो, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, और आप किसी को ज़्यादा पे देने की भी ज़रूरत नहीं, किसी को ज़्यादा पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं आपको अगर ये आपने सीख लिया। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने लाइटकॉइन पे क्लिक करके इसका प्रोसेसिंग फ़ी कमीशन फ़ी बिल्कुल जीरो है सोलर ग्रुप में। आप यहाँ पर सारे इसके इंपॉर्टेंट पढ़ लो, पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट द कंडीशन ऑफ द मेन अकाउंट पे आप क्लिक ये टिक कर लेना, बॉक्स को फिलअप कर लेना, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपका फुल आ गया एड्रेस, जिस एड्रेस पे आपको अपने LTC को बाई करना है। तो मैं दिखाता हूँ उसके बाद आपको अपना बजीरेक्स का अकाउंट। ये दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मेरा बजीरेक्स का अकाउंट है, मैंने इस पर अपनी आईडी बना रखी है पहले से। इस पर आईडी बहुत ही ईजिली तरीके से बन जाती है। मैंने इसमें से पहले अपने फंड को टॉपअप कर चुका था इसलिए इसमें थोड़ा फंड कम है। मैं जस्ट आपको डेमो के लिए आपको ये बना के वीडियो दिखा रहा हूँ कि आप कैसे इस पर LTC से बाई कर सकते हो। इसमें आप ईजिली तरीके से INR को डिपॉजिट कर सकते हो। देख सकते हो आपके यहाँ डिपॉजिट का ये ऑप्शन आया है, आप इसमें अपने बैंक को लिंक करके आराम से अपने, देख सकते हो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, स्टैंडर्ड डिपॉजिट और इंस्टेंट डिपॉजिट। स्टैंडर्ड डिपॉजिट में जाकर आप अपने IMPS, UPI, गूगल पे या भीम UPI किसी भी ऐप से बहुत ही ईजी वे तरीके से INR इस पर आपको डिपॉजिट करना है। INR डिपॉजिट करने के बाद देख सकते हो ये मेरा सब डिपॉजिट का सेक्शन था। उसके बाद आपको मार्केट में जाकर कोई भी, जैसे कि आपको BTC खरीदना है INR से, तो आप BTC खरीद सकते हो, USDT डॉलर खरीद सकते हो, ETH खरीद सकते हो। उसके बाद देख रहे हो यह LTC बाई कर लेना है। LTC बाई करने के बाद आपके फंड में LTC आ जाएगा, जैसे कि मेरे फंड में LTC आ गया। अब इसको मुझे करना है विड्रॉ अपने सोलर ग्रुप के आईडी पर। तो ये आ गया सेक्शन पूरा। अब मुझे एड्रेस जो है वो कॉपी करना है, ये तो आप यहाँ देख सकते हो कॉपी टू एड्रेस। तो ये एड्रेस कॉपी हो गया, अब मैं इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये एड्रेस मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद अमाउंट ले लेते हैं, ये अमाउंट मैंने कॉपी किया और ये अमाउंट भी मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ये अमाउंट भी मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हो उसके बाद विड्रॉल फ़ी 0.01 दिखा रहा है यहाँ। ये बजीरेक्स का विड्रॉल चार्ज है, जो आप इसे विड्रॉल करते हैं तो आपको ये चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 0.01 है और मेरा जो LTC अमाउंट है वो 0.02 है, तो मुझे यहाँ 1 पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। तो 0.01 बढ़ाना है, मुझे यहाँ 0.03 हो जाएगा, 2+1, तो मुझे यहाँ 0.03 करना होगा। ये देख सकते हो फाइनल अमाउंट में 0.02323991 हो चुका है। एक बार मिला लेते हैं पेमेंट को, 0.02323991। तो देख सकते हो बिल्कुल सही है। अब रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर अपना ऑर्डर नंबर कॉपी कर देता हूँ रिमार्क में। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ ऑर्डर नंबर ही कॉपी करना है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद देख सकते हो ये सब कुछ होने के बाद आपको सीधा एक बार रिचेक कर लेना है, उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर फिर से एक बार रिचेक कर लीजिए, अपने सब कुछ मिला लीजिए। मिलाने के बाद आपको ये स्लाइड कर देना है अपने बजीरेक्स को। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा OTP यहाँ पर आ गया है, 55 17 18 55 17 18। ये मेरा ऑथेंटिकेट बना के मैंने रखा हुआ है ताकि कोई भी अकाउंट को कोई मेरे हैक ना कर पाए। और मेरा देखिए ये वाला हो गया है, और विड्रॉ ईमेल वेरिफिकेशन पेंडिंग, ये मेरा ईमेल पे मुझे इसका वेरिफिकेशन आया है। तो मैं अपने ईमेल पे गया और देख सकते हो आप यहाँ कंफर्म विड्रॉल का यहाँ पर अप्रूवल मांग रहा है, तो मैं इसे अप्रूवल कर दूँगा।
तो ये अप्रूवल ले लिया इसने, सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया ये। उसके बाद जाना है आपको वजरेक्स में। आप देखोगे यहाँ पर, ये देखिए प्रोसेसिंग विड्रॉल हो गया। अब आपको उसको विड्रॉल का, तो आप देख सकते हो यहाँ ये विड्रॉल हो चुका है 0.2323991 LTC। अब चलना है आपको अपने सोलर ग्रुप के अकाउंट में, जहाँ पर जो पेज था, यहाँ पर देखिए कंफर्म पेमेंट। जी बस मैंने पेज पे गया, वो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो गया यहाँ पर कंफर्मिंग पेमेंट का। अब जब ये पेमेंट कंफर्म हो रहा है तो आपको पेज को रिफ्रेश करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर बोल रहा है वी कैन सी योर पेमेंट, प्लीज़ अलाउ अप टू 30 to 60 minutes फॉर दिस पेमेंट टू कन्फर्म। मर्चेंट विल बी नोटिफाइड ऑटोमेटिकली वंस इट इज़ कन्फर्म। यू मे नाउ क्लोज दिस विंडो। तो जैसा कि यहाँ बता रहा है कि 30 से 60 मिनट में ये हो गया था, तो देख सकते हो 30 से 60 मिनट बताया, लेकिन इससे पहले ही मेरा ये फंड हो गया। यहाँ पर देख सकते हो आप बोल रहा है भुगतान सफलतापूर्वक पूरा हुआ। तो चलता हूँ, चेक करता हूँ। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ अपने अकाउंट में, मेरे मेन अकाउंट में पहले $19.60 थे, अब $1 जुड़ चुका है, यानी $20.60 हो चुके हैं। अब इसे अच्छे तरीके से चेक करने के लिए कि मेरे अकाउंट में पैसे जो मैंने अभी डाले थे वो अभी टॉपअप हुए कि नहीं, वो मैं आपको दिखाने के लिए चलता हूँ बैंकिंग सेक्शन में। तो ये मैं आ गया हूँ अपने बैंकिंग सेक्शन में, और चलते हैं अकाउंट एक्टिविटी में। अकाउंट एक्टिविटी में हम जाने के बाद, जी हाँ, ये आप यहाँ देख सकते हो अकाउंट टाइप द मेन अकाउंट ट्रांजेक्शन अमाउंट $1 का, मुझे यहाँ मैंने अभी यहाँ टॉपअप किया था वो मेरे अकाउंट में आ चुका है। बैलेंस रिप्लेसमेंट इन द अमाउंट ऑफ $1 विथ लाइट कॉइन विथ क्रिप्टोनेटर रिक्वेस्ट इतना 686470। तो आप देख सकते हो बहुत ही ईजिली तरीके से मेरा अकाउंट मैंने टॉपअप कर लिया। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह अपने अकाउंट को टॉपअप कर सकते हो, बिना किसी की हेल्प लिए, बिना किसी से डॉलर की डिमांड किए, बिना किसी को डॉलर का हाई रेट दिए हुए। पैसा आपका है, आपकी हार्ड मनी है, आपको उसको कैसे यूज़ करना है। आपको डॉलर सस्ते में भी मिल जाएगा और महंगे में भी मिल जाएगा, अगर आप खुद से मेहनत करोगे तो वो आपको सस्ते में भी मिल जाएगा। तो आप वजरेक्स पर अपना अकाउंट बनाइए और ख़ुद से अपने अकाउंट को टॉपअप कीजिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ वजरेक्स में लॉगिन करने के लिए, वजरेक्स का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाकर वहाँ से लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हो। और मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप वजरेक्स में कैसे लाइटकॉइन या बिटकॉइन या कोई भी, आप अपने INR को कैसे इसमें वजरेक्स में टॉपअप कर सकते हो, और लाइटकॉइन या बिटकॉइन को कैसे बाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने सभी दोस्तों को, डाउनलाइन वाले को इसके बारे में बताएं, ताकि वो भी सीख सकें इसके बारे में, और बिना किसी को डॉलर का हाई रेट दिए हुए अपने ID को टॉपअप कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अपडेट के साथ, अगले नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।